मॉर्निंग सीमा बेटी। गुड मॉर्निंग दादाजी। क्या बात है सीमा, सब ठीक तो है ना? कोई बात है तो बता दो पिता। नहीं दादी, कोई बात नहीं, सब ठीक है। पक्का? कोई बात है तो अपनी दादी को बता दो। नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं। बात है ना दादी, एक्चुअली बात है, कितनी खुशी की बात है ना, विशेष भैया घर आ गए हैं, अब वो समीर भैया के साथ ऑफिस जाएंगे, ऑफिस में उनका हाथ बटाएंगे, कितनी खुशी की बात है ना दादी। हाँ, दोनों बहुत जिम्मेदार और होशियार है, अब ऑफिस की पूरी जिम्मेदारी आपस में बांट के काम करेंगे। मुझे अपने दोनों पोतों पर पूरा भरोसा है कि वो बिजनेस को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाएंगे जहां मैंने और रविंद्र ने सोचा भी नहीं था। हाँ, पहले मेरा बच्चा अकेला काम करता था, अब तो दो हो गया बेटा। हाँ, एक से भले दो, और दो भाई हो तो और भी अच्छा। कॉन्ट्रैक्ट तो मिलना ही था, मेरे समीर भैया हैं ही इतने काबिल। ये सब भगवान की कृपा है, आशीर्वाद है। तुमने जिस तरह से बिजनेस संभाला है वो सच में काबिले तारीफ है। दादाजी, ये सब तो जो पापा ने सिखाया है उसी का नतीजा है, और फिर आप सबका साथ भी तो है। मैं जब भी मुश्किल में होता हूँ तो आप ही मुझे रास्ता दिखाते हैं ना। ये क्या बात है समीर भैया, सारी तारीफ है सिर्फ बड़ों के लिए, अंजलि भाभी के लिए कोई तारीफ नहीं? और नहीं तो क्या, सुबह सुबह हमारी बहू ही तो तुम्हें तैयार करके भेजती है। और जब तुम देर रात तक ऑफिस में काम करते हो तो बिना कुछ खाए पिए तुम्हारा इंतजार भी तो करती है वो। ये बात तो सच है, तुम्हारे साथ के बिना मुश्किल ही है ये सब। इसके लिए तो तुम्हें इनाम देना चाहिए, समझ रही हो ना? ये कॉन्ट्रैक्ट क्या, देखना अब हमें इससे भी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, अब विश भैया भी जो आ गए हमारे साथ। हाँ बेटा, तुम्हारे ये दोनों भाई मिलकर तुम्हारे पापा के बिजनेस को और आगे बढ़ाएंगे। तुम सच कह रही हो, दोनों मिलकर रहेंगे, साथ काम करेंगे तो दिन दूनी रात चौगुनी बरकत होगी। हमारे ये दो रतन समीर और विशेष की जोड़ी तमानिया कंपनी को आसमान की बुलंदियों पर ले जाएगी। आसमान तक तो तब पहुंचेगी जब ये जोड़ी सलामत रहेगी, और मैं इस जोड़ी को सलामत नहीं रहने दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई समीर को शराब पिलाने की? हम तो जश्न मना रहे थे। एक बात कान खोल के सुन लो, तुम्हें जो मनाना है ना मनाओ, लेकिन आगे से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसा ही होगा। जब तक तुम मेरी नहीं हो जाती तब तक ऐसा ही होगा। माया, मैं तुम्हें किसी और की बाहों में नहीं देख सकता, चाहे फिर वो तुम्हारा पति हो या कोई और। अरे जब तुम्हारा प्यार न हो तो पति कोई और कैसे हो सकता है? आ गए ना तुम अपनी असलियत में, लोगों के सामने भोले बनते फिरते हो, मगर तुम्हारी असलियत क्या है ये मैं जानती हूँ। हाँ, मेरी असलियत क्या है ये तो तुम जानती हो, मगर अपनी असलियत को कैसे भूल रही हो माया? मैं जब तक तुम्हें हासिल नहीं कर लेता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा।
और मेरे रास्ते में जो भी आएगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि घर वालों को बता दो कि तुम कौन हो। मैं खुद सबको सच सच बताऊंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं भी चाहता हूं कि मैं ऐसा कुछ ना करूं, इसलिए कह रहा हूं कि सबको बता दो तुम कौन, वरना मैं सबको बताऊंगा कि तुम समीर की अंजलि नहीं, विशेष की माया। वरना मैं सबको बताऊंगा कि तुम समीर की अंजलि नहीं, विशेष की माया। तुम कब से नाश्ते पे इंतजार कर रहे हैं तेरा? बेटे जहां तक हो सके साथ नाश्ता करने की, साथ खाना खाने की जो इस घर की परंपरा है वो बनी रहे तो अच्छा है। आओ बैठो। आओ दादाजी। मैं आप सब लोगों से कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ, और मैं समझता हूं कि ये बात घर के हर सदस्य को पता होनी चाहिए। इसीलिए मैं यहीं पे ये बात करना चाहता हूं। भैया जो कहना है कहो ना, इतना टेंशन क्यों बढ़ा रहे हो? हाँ बेटा बोलो ना, क्या बात है? आप लोग पहले सब नाश्ता कीजिए, बातें तो फिर भी होती रहेंगी। बहू की ये बात बिल्कुल सही है, चलो पहले नाश्ता कर लो। नहीं दादाजी, जो बात मैं कहना चाहता हूँ मुझे नहीं लगता उसके लिए नाश्ता खत्म होने का इंतजार करना चाहिए, और वैसे भी अब मैं और देर तक ये बात नहीं छुपा सकता। बात यह है कि मैंने और अंजलि ने काफी देर तक बात की, फिर हमने फैसला किया है कि सब कहते हैं प्रियंका बदल गई। चैनल पर प्रस्तुत करता क्लोजअप, क्या आप में है क्लोजअप कॉन्फिडेंस? मैंने और अंजलि ने काफी देर तक बात की, और फिर हमने फैसला किया है कि मैं आज से ऑफिस जाऊंगा।
विशेष भैया, इतनी अच्छी बात और आपने इतना टाइम लगा दिया कहने के लिए। तुम दोनों का फैसला तो बहुत अच्छा है। अरे बेटा, इतनी खुशी की बात कहने में झिझक क्यों रहे थे? अब मेरे दिल को तसल्ली हो गई, अब मैं शांति से मर सकता हूँ। बाबू जी, इतनी खुशी की बात में आप मरने की बात क्यों कर रहे हैं? बात यह है, मुझे पूरा यकीन है कि मेरे दोनों पोते, मैंने जो बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है उसे और आगे बढ़ाएंगे और अपने बाप की तरह उसको और बढ़ाते ही जाएंगे। इससे और खुश की बात दादा के लिए क्या हो सकती है? तो फिर जीने की बात कहिए ना, मरने की बात क्यों कर रहे हैं? बाबूजी, बच्चे चाहे जितने भी लायक हो जाएं, उन्हें हमेशा बड़ों की आशीर्वाद की जरूरत पड़ती ही रहती है। माँ ने बिल्कुल मेरे दिल की बात कही है दादाजी। अभी तो हम दोनों को आपसे बहुत कुछ सीखना है। आपने इतनी मेहनत से इस बिजनेस को यहाँ तक पहुँचाया। मैंने तो पहले ही कहा था ना कि अगर विशेष भैया और समीर भैया एक साथ काम करेंगे तो हमारा बिजनेस यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा। अब देखना मेरी बात कैसे सच निकलेगी। अभी तो आपको ये देखना है कि आपके बच्चे बिजनेस को कहाँ तक लेके जाते हैं, जिंदगी की कौन सी ऊंचाइयों तक लेके जाते हैं। असली खुशी तो तब होगी। ये दोनों अपने पिताजी का बिजनेस आगे बढ़ाए तो मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी और मैं खूब मन लगा के समाज सेवा में जुड़ सकती हूँ। रविंद्र के जाने के बाद एक बार तो ऐसे लगा था जैसे सब कुछ बिखर के रह गया है, लेकिन शाबाश समीर के, समीर ने तो सब कुछ संभाल लिया और अब विशेष भी इसके साथ खड़ा हो गया है। बहुत सी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। मुझे तो पूरा यकीन है कि विशेष भैया भी समीर भैया के जैसे ही बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि वो मेरे भैया हैं। विशेष, जल्दी से नाश्ता करके तैयार हो जाओ और जब तुमने ऑफिस जाने का फैसला कर ही लिया है तो आज ही से काम शुरू कर दो, फिर ऑफिस पे टाइम पे पहुंचना ही बहुत जरूरी है। विशाल की तरह, जैसे आप वैसे मैं। विशाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? स्कूल नहीं जाना? ये बता रहा था कि दादी कह रही थी कि मैं गुड बॉय हूँ, लेकिन इस गुड बॉय को टाई बांधनी नहीं आती। मम्मी को टाई पहनाना आता है, मैं जब स्कूल जाता हूँ मम्मी मुझे भी पहनाती है। तो अपनी मम्मी से कहो कि चाचू को भी टाई पहना दो। मम्मी प्लीज चाचू को टाई पहनाना।
ये मत सोचना कि टाई बांध के ऑफिस जाना जरूरी है, ये तो शुरुआत अपनी होने वाली बीवी से उसके धर्म निभवाने की शुरुआत। इस तरह आज तुम्हें मैंने टाई बांधने के लिए मजबूर किया, देखते जाओ एक दिन अपने इस कमरे में अपने साथ रहने के लिए मजबूर करूंगा। और फिर घर हो या ऑफिस, मैं हमारे बीच किसी को भी नहीं आने दूंगा। ये मेरा तुमसे और अपने आप से वादा है। मम्मी, मैं तो टॉस करें हेड्स हो या टेल्स, अब खुले बालों का भी गिरना मना है सिर्फ एक रुपए में। क्लिनिक प्लस शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला जो बनाए बालों को मजबूत। मम्मी खुले बाल। सॉरी समीर, वो मैं तुम्हारे लिए जूस नहीं ला पाई। तो कोई बात नहीं, सीमा लेकर आ गई थी जूस। आज मुझे पता है पुराने दिन याद आ गए, जब मैं कॉलेज में था, सीमा स्कूल में थी, मैं रोज सुबह सुबह बिना नाश्ता किए कॉलेज जाने के फिराक में रहता था और माँ ने सीमा की ड्यूटी लगा रखी थी कि मुझे जूस पिलाकर ही कॉलेज भेजे। अब वो सुबह सुबह मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ जाती थी, भैया जूस पी लो, भैया जूस पी लो, जूस पी लो। मैं तो ये सब नहीं कर पाती। तो कोई बात नहीं, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो है, तुम्हारे चेहरे से साफ पता चल रहा है कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। बताओ समीर, विशेष भी तुम्हारे साथ ऑफिस जा रहा है? हाँ जा रहा है। तू उसने बताया था ना वो ऑफिस ज्वाइन करना चाहता है। पता नहीं मेरा दिल क्यों घबरा रहा है, वो ऑफिस जाके क्या करेगा? क्या करेगा मतलब, काम करेगा और क्या। अच्छा तुम इस बात से परेशान हो कि उसे काम नहीं आता? अरे इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं, थोड़े दिन ऑफिस जाने लगेगा तो सारा काम सीख जाएगा। मुझे कौन सा पहले से काम आता था? तुम्हारी बात दूसरी है। क्यों भाई, मेरी बात क्यों दूसरी है? और वो भी इसी खानदान का वारिस है, बिजनेस उसके खून में है, देखना बहुत जल्दी काम सीख जाएगा वो। समीर मैं, तुम समझ नहीं रहे हो उसकी सोच, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? कुछ समझाने की जरूरत नहीं, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? तो बस मैं उसे सारा काम सिखा दूंगा, और विश बहुत समझदार लड़का है, देखना सब कुछ बहुत जल्दी सीख जाएगा। लेकिन समीर वो इतने साल जिन लोगों के बीच रहा है। हाँ ये चिंता तुम्हारी जायज है, लेकिन इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, थोड़े दिन ऑफिस में रहेगा तो बराबर एडजस्ट हो जाएगा वो। जिम्मेदारी इंसान को सब कुछ सिखा देती है अंजलि, देखना वो भी सब कुछ समझ जाएगा। तुम परेशान मत, ठीक है? मैं ऑफिस के लिए निकलता हूं, ये लेट हो रहा है, बाय बाय। मैं भी भगवान से यही मांगती हूँ कि तुम्हारा विश्वास ही सही हो और मेरा शक बेबुनियाद।
वो तुम्हारे लिए ऑफिस में कोई मुसीबत ना खड़ी करे।